कॉन्ग्रेचुलेशन से शुरू करते हैं, बहुत 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 सारी मुबारकबाद उनके लिए इतना अयान से तो अभी हम बात कर रहे थे और काफ़ी चीज पूछ भी चुके हैं कि कैसा अभी फील हो रहा है, क्या है। आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि 9 तारीख से पहले जो दुखी थी कि मतलब क्या कुछ चल रहा था, क्योंकि फिल्म को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा था, कुछ मतलब अच्छी बातें कुछ नेगेटिव बातें भी थी, और अब कितना सेटिस्फाइड, कितना राहत महसूस हो रहा है। राहत तो बहुत है। हम एक्चुअली 9 तारीख से नहीं, हम आई थिंक 5 साल से इस बारे में बात ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक लगातार एक कॉन्वर्सेशन रहा है। बट ऑफकोर्स बहुत रिलीव्ड वाली फीलिंग है, एक अच्छी फीलिंग है कि यू नो अभी फिल्म रिलीज हुई है, लोगों को पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है वो वहीं पर, लेकिन जो फीडबैक हमें आ रहा है, जो हमें एक्साइटमेंट दिख रही है, जो पॉजिटिविटी दिख रही है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आई थिंक उसको लेकर भी अगर आपके एक्साइटमेंट हमने ट्रेलर ड्रॉप किया, आई मीन हमने तो पोस्टर तो पिछले साल दिसंबर में ड्रॉप किया था, एवर सिंस हमने ट्रेलर ड्रॉप किया, एक्चुअली वो एक्साइटमेंट के लोगों को हम फिल्म दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं उनको दुनिया के, मतलब हम दुनिया के दरवाजे खोल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र की दुनिया के दरवाजे खोल रहे हैं, वो ही हमारा मेन फोकस था। और एक क्रिएटिविटी में और एक यू नो फिल्म मेकिंग की, मतलब एक जो एक पैशन जो हम सबको एक जोड़ के रखा था, जब वो आपके माइंड पे ज़्यादा हो और वो आपके दिल में ज़्यादा हो, तो और कुछ आपके मतलब जहन में और आपकी दुनिया में आता ही नहीं है। हमारा मेन कर्तव्य यही है कि हम ऑडियंस तक एक अच्छी फिल्म पहुँचाए और एक पूरी फिल्म पहुँचाए जिसमें हमने पूरा मतलब हमारा लेकिन इस फिल्म का जो एम्बिशन था, जिस तरीके के विजुअल्स हम बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे, जो इस फिल्म की कहानी और जॉनर थी, सब कुछ नया था। So the making of this film was very very challenging on everybody in the team, और उसको somehow सब कुछ blend करके to bring it out, it was not like making a regular film. Like I have made a film, you know, I made Ye Jawani Hai Deewani, and I know a lot of people like that film and I also love that film, but I know कि उस किस्म की फिल्म को बनाने के लिए कितनी effort लगी मुझसे, और इस किस्म की फिल्म को बनाने के लिए what we have to do, and the fact that the film has gotten accepted, people are liking it, and we feel we've managed to create something on the big screen that you've not seen, you know, it is truly never seen before. That is something that I feel sometimes we also forget what a big task that was, you know. So that has been our focus ki, you know, ye while a lot of stuff was going on outside, the film was so complex to put together, and just that people have responded, log itne din ke baad nikal ke aaye to watch the film and then they've liked the film, this is all, you know, a very big achievement for us. Satisfied now? You know, never satisfied. Never satisfied. Never satisfied, otherwise how will we do better work? But yeah, excited. तो अभी तो खैर प्रमोशन अभी चल रहे हैं, उसके बाद क्या अभी मतलब लाइक ठीक है, अब ये जो बहुत बड़ा टास्क था वो पूरा हो गया, अब नेक्स्ट? नहीं, इनफैक्ट आयन और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे कि उसको एक्चुअली जेन्युइनली एक मतलब एक महीने का तो ब्रेक लेना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हम तो मतलब 5-6 साल से ब्रह्मास्त्र के बारे में बात ही कर रहे हैं। If he doesn't take a break, we are not going to stop talking about Brahmastra. So that Ayan can take a break. अभी अस्त्रवस तो अभी खुला है, अभी तो बहुत काम बाकी है, जैसे कि एंड में बच्चन सर बोलते हैं ना, लेकिन जंग अभी बाकी है, तो एक्चुअली अभी बाकी है। जंग नहीं, बट काम। बट आयान का तो मैं पूछा कि ब्रेक उनको चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जो फैन थ्योरी शुरू हो गए हैं, तो दिमाग में वो सेकंड के लिए भी उस कुछ, मैं आपसे कह रहा था ना, मैं आलिया से भी कह रहा था, तो अभी 6 days हुए हैं, आज इट्स द 6th day की ब्रह्मास्त्र इज अलाइव इन द वर्ल्ड। आई एम सरप्राइज्ड कि इतने फैन थियोरीज आ चुके हैं और लोग इतना सोच रहे हैं फिल्म के बारे में। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, मैं सब कुछ अभी तक अब्सॉर्ब नहीं कर पाया हूँ, बट मेरा प्लान है that before we start working on part 2, I'm going to sit, read everything,
एंड देन टेक सम गुड आइडियाज एंड आई एम गोइंग टू गो टू दीस टू ओनली, क्योंकि इन लोग ने सब कुछ पढ़ लिया है. रणबीर और आलिया उनके घर पे बैठ के सब रिव्यूज, पूरी रिपोर्ट फिल्म की इन दोनों के पास है, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया. आई एम नॉट लाइंग, आई एम रीडिंग द फैन थ्योरीज अ लॉट. आप लोगों ने सब पढ़ा की रिव्यूज एंड सारी फीडबैक्स का, तो जैसे बहुत ज्यादा प्यार और लाइक कुछ जो सीन्स है की हमने कभी देखा ही नहीं, उसके अलावा कुछ थोड़ा ऐसा मिक्स भी है अबाउट द स्क्रीन पे डायलॉग्स पर जो हम बात कर चुके हैं. क्या उस बारे में मतलब उसको लेकर के आप लोग का रिएक्शन क्या? देखिए ऑडियंस किंग है एंड जो भी हम बोल रहे हैं कि वी आर रिलीव्ड एंड एक्साइटेड, बट ये जो क्रिटिसिज्म वो दे रहे हैं या उनको कुछ पसंद नहीं आया, इट्स ओनली हेल्प बेनिफिशियल. या आई थिंक हम्बली वी आर रिसीविंग इट, और जो हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में करेंगे वो इससे भी बेटर करेंगे. एंड आई थिंक दैट्स द इंटेंशन कि आप लगातार आप ऑडियंस को ऐसी फिल्म दें कि उन्हें सिर्फ उनका एंटरटेनमेंट हो. दैट्स आवर पर्पस. यू नो हम बैठ के जब एक फिल्म देखते हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया है तो सबके पास एक 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 जरिया है कुछ ओपिनियन देने के लिए, तो हम डाइसेक्ट करने लगते हैं कि ये सीन में ये था या ये डायलॉग ऐसा था या ये कुछ क्यों कर रहे थे. बट एक्चुअली जब ऑडियंस फिल्म देखती है तो वो सिर्फ फिल्म देख रही है, वो इतना कुछ सोच नहीं रही, हम ज़्यादातर सोचते हैं. तो आई थिंक ब्रह्मास्त्र हैज़ गिवन दैट एक्सपीरियंस. बट हैविंग सेड दैट कि जो भी क्रिटिसिज्म और फीडबैक हमें मिला है, I think we are all definitely use it constructively. Yeah, and I think Ayan to feedback king hai. Haan, I love feedback. He loves feedback. तो हम भी actually I learned all this from Ayan only कि जो भी है हाँ अच्छा बोलो, बुरा क्या है वो पहले बोलो. You know, then let us see if we can fix. Till the end minute he was fixing, and of course there is some level of fixing you cannot do because at the end of the day आपने एक मतलब vision पकड़ के एक film बनाई है. तो जो भी फीडबैक ऑडियंस, एंड इनफैक्ट मैं काफी पढ़ रही हूँ, इवन दो देयर इज अ फीडबैक और क्रिटिसिज्म से, जैसे कि आपने डायलॉग्स पे बोला या उस पे बोला उस पे, पीपल आर स्टिल कमेंडिंग द एफर्ट, व्हिच आई कैन जस्ट से जेन्युइनली जो हार्ट और एक एक ह्यूमन क्या बोलते हो कि स्पिरिट का एफर्ट जब वो रिकॉग्नाइज होता है, देयर इज नो ग्रेटर फीलिंग. यू फील सो कनेक्टेड टू द ऑडियंस इन दैट वे. बट डेफिनेटली मतलब क्रिटिसिज्म तो अगर हम लोग अब उस पे अगर हम लोग फोकस नहीं करके आगे नहीं बढ़ेगी, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हियरिंग द फीडबैक. राइट, तो या मतलब सेकंड जो हमारे लिए उसमें डेफिनेटली वी विल टेक इट. I feel that you know overall though the जो हमारी फिल्म का स्पेक्टिकल नेचर है, जो you know many sequences in the film are so entertaining, I feel that that is the even with a lot of feedback we are getting, mostly people are really enjoying that spectacle, so I am very happy about that. Yeah. You know. And I have just जब देवा देवा हो रहा था, जब हम लोगों ने देखा था, उस टाइम आपने बोला कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल है. And obviously आप लोग आप दोनों के लिए आयान के लिए तो है ही है, और वो हम लोग हाँ they have a whole personal journey, no doubt. वहाँ से जो जो ईशा और शिवा की जो प्रेम कहानी, उस तरीके से आप लोग की, तो वो कितना, जैसे एक डायलॉग भी आपका ना कि ईशा के बिना शिवा अधूरा है, तो कैसे आप दोनों ने एक दूसरे को पूरा करते हैं, कैसे आप दोनों का जो यू नो मैं एक्चुअली बहुत ये डिंगे मारता हूँ कि आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, मैं डिटैच्ड इंसान हूँ, बट आई एम एक्चुअली वेरी डिपेंडेंट. मैं एक्चुअली बाथरूम नहीं जाता विदाउट नोइंग कि आलिया किधर है, या मैं खाना नहीं खाता विदाउट आस्किंग कि यू नो इज शी अराउंड. तो आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आलिया इज़ अराउंड मी ऑल द टाइम, चाहे हम बात ना करें, चाहे हम कुछ ऐसे कुछ रोमांटिक चीज़ ना करें, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू मी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. नो इट्स समथिंग दैट आई थिंक ऑल्सो हैपेंस इन अ रिलेशनशिप आफ्टर सम टाइम, कि आप एक दूसरे आपके अंदर जो कमी है शायद आप एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को हाँ एक्सट्रैक्ट करो और वो हम पूरा करते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स आई लव अबाउट माय रिलेशनशिप विद रणबीर इज कि हम अलग अलग ठीक ही है पर साथ में बेटर है. और एक लाइन है जब शिवा बोलता है कि ईशा के पहले मैं ठीक ही था, बट उसके आने के बाद हाँ अब पूरा हूँ मैं. तो इट्स जस्ट दैट ब्यूटी ऑफ लाइक जस्ट
knowing that हाँ कि life is fine, but it's just better together. And हाँ, that one thing is for sure, he can't do anything without me. Especially health को लेकर अगर मैं ना रहूँ, Ranbir will be like leaving everything till the last minute. So I think that's one thing I feel very paranoid about, and I'm constantly checking on him. And now maybe a little bit. But having said that, हम हमारी तुलना मतलब शिवा और ईशा के relationship से नहीं कर सकते, वो एक filmy relationship है. But I think yeah, we have our good days, bad days. You know, like every relationship, how you would also have in your relationship. But I think जो the constant desire to better yourself as a person and to be the best version of yourself for the other person, वो लगातार है, वो कभी रुकेगा नहीं, you know. So it's इसलिए कि हमारी relationship बहुत romantic है और हम इतने प्यार में हैं, प्यार तो सब करते हैं. But it's a struggle, you know. Relationships are hard, and you really have to work hard for it. Are you calling a relationship a struggle? No. Honestly, कि हमारा let's not compare a relationship to Shiva and Isha. No, obviously not. वो सबके लिए करते हैं, हम partners एक दूसरे को पूरा करते हैं. तो भी वो partners और life partners हैं. अच्छा आले मैं अरयान को बोले थे कि आपने ईशा को कोई सुपर पावर नहीं दी, तो बच्चे भी सबके पास है. और मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद एंड में कोई झलक दिखेगी या कुछ ऐसा. पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है. एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सम ऑफ द फैन थ्योरीज जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर दिस वेरी न्यू, बट अ लॉट ऑफ द थिंग्स दे आर गेटिंग राइट. तो देखते हैं. अच्छा, तो लेकिन अगर आप लोगों को कोई सुपर पावर खुद चाहिए हो और कुछ चेंज करना चाहें आप हमारे सोसाइटी में, अगर तो क्या तीनों सही है? सोसाइटी में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कोई सुपर पावर आपको लगे कि आपने फन क्वेश्चन में एक मॉरल सेंस डाल दिया. चलो आप मत डालिए सर, सुपर पावर. हां, सुपर पावर बोल दिया. मुझे चाहिए इनविजिबिलिटी का कड़ा, कि मैं गायब हो जाऊं, कोई मुझे देख नहीं पाए. मैं तो ऐसा अस्त्र चाहता हूँ, मैं इंडिया में हर आदमी को थिएटर में लेके आऊँ और उससे सोसाइटी भी बेटर हो जाएगी. Everybody come and see the film. The film का मैसेज भी बहुत अच्छा है. Good society will also become good, positive, nice, loving. This is what I want. सबकी पिक्चर अभी दिखा सकते हो फिर ना, अभी पहले ब्रह्मास्त्र को दो बार दिखा देंगे पूरे कंट्री को फिर. आई थिंक अगर आप प्यार बढ़ाओ तो मतलब सब लोग खुश रहेंगे, सोसाइटी भी खुश रहेगी, हम भी खुश, मतलब हम सब खुश रहेंगे. तो प्यार से बड़ा और कोई अस्त्र नहीं है इस दुनिया में जेन्युइनली. तो अगर मैं एक अस्त्र पे मतलब काबू कर सकूँ तो वो लव अस्त्र होगा, और मैं जितना चाहूँ लव बांटूंगी दुनिया में सबके बीच में, सब लविंग हो. मैं तो कुछ चेंज करना चाहूंगी सोसाइटी का, अगर कुछ मतलब जो लाइक कुछ बेटर, लाइक कुछ एजुकेशन को लेकर के या जितना भी कर सके. ऐसा मेरे पास कोई अस्त्र, कौन सा एजुकेशन अस्त्र नहीं, कुछ कुछ ऐसा पॉजिटिव अस्त्र. हां, पॉजिटिव अस्त्र कोई कुछ ऐसा पॉजिटिव हो जो कि तो हम सेम पेज पे हैं, हम कुछ बेहतर कर सके जो हमारे जो चाहिए. नेगेटिविटी हटाओ अस्त्र. तो जितना आप प्यार बढ़ाओगे उतना ही मतलब हाँ सेम सेम करेक्ट. तो लेकिन जैसे रणबीर से पहले शमशेरा थी, उससे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारी चीज़ें आपको आपको भी थी, सब लोगों को थी. वो उस तरह से नहीं वर्क करी, लेकिन फिर भी आपने वो भूल करके नई फिल्म, नया नया जोश, नया उसके साथ फिर आना, कितना आपको एक तो इफेक्ट हुआ उस फिल्म को की वजह से? हर फिल्म जब नहीं चलती आपको अफेक्ट तो होती है, आपको बुरा लगता है, एम्बैरेसमेंट होती है. मैंने भी कुछ बहुत सारे दिन बहुत मेहनत से काम की शमशेरा में, बट आई थिंक जब फिल्म नहीं चलती मैं कोई मैं पहले एक्सेप्टेंस में पहुँचता हूँ. मैं ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ये इस वजह से नहीं चली, उस वजह से नहीं चली, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता. है तो मेरी चॉइस, किसी ने मेरे दिमाग में बंदूक रख के मुझे फिल्म साइन नहीं करी. तो यू हैव टू ओन इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. बट जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत. तो यू नो दैट्स अ फिलॉसफी दैट यू हैव टू ऑलवेज फॉलो इन लाइफ. एंड आई हैव नेवर गॉट अफेक्टेड बाय सक्सेस, सेम विद फेलियर्स. मेरी पहली फिल्म भी एक डिजास्टर थी, तो तब से ये एक मैं एंड आई हैव बीन बोर्न इन अ फिल्म फैमिली ऑल्सो. तो वो भी मुझे पता है कि यू नो इस लाइन में सक्सेस आपको कहाँ लेकर जाता है, फेलियर आपको कहाँ लेकर जाता है. तो एक बैलेंस लाइफ बहुत जरूरी होती है. That's what I try and follow. And आप तो लगातार मतलब like
आपकी तो टच वुड इधर तो हैट्रिक बैक टू बैक हैट्रिक हो गई. अब आगे क्या प्लान थोड़ा, क्योंकि आप लगातार काम कर रही हैं, हैट्स ऑफ फॉर दैट. थैंक यू. नहीं मैं थोड़ा चिल करूंगी, बट मतलब मैं मेरी जैसे कि रणबीर का आई एम अनेबल टू सिट एट होम एंड डू नथिंग, तो मैं कुछ तो करूंगी. आगे आप देखते हैं, फ्यूचर इज ब्राइट. बहुत बड़ा रोल और आ रहा है ना, सबसे बड़ा रोल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे टू बी फ्रेश, बट द मिशन इज Mission Brahmastra Trilogy and Mission Astravas. Yeah, I'm hoping and I'm sure bigger and better. Thank you so much. See, लोगों को यही चाहिए. And जैसे हमने बोला अभी देव एंड अमृता की लव स्टोरी पे बहुत इंटरेस्ट है लोगों का, कौन है, क्या होगा, कैसे होगा. That's a great thing. Thank you so much. Best wishes. Thank you so much. Thank you.